हाय मूवी शूविंग, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। मैंने भी एक मूवी देखी जिसका नाम है मेमोरी, और ये मेमोरी आपको थोड़ी थोड़ी गजनी याद दिलाई है, इतना ज्यादा नहीं ऐसी बोल रहा हूँ। छोटा सा टेक लिया गया है कि जिसमें मेन हीरो है उसकी थोड़ा सा मेमोरी लॉस होता रहता है, बट क्या ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि नहीं है ये देखते हैं। इसके अंदर आपको दिखेगी नियाम नीसन, जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था टेकन सीरीज के अंदर। लंबे चौड़े से इंसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को यूज करते हैं, एक्शन स्किल्स को यूज करते हैं। आप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो इनका चार्म है वो काफी बरकरार। तो स्टोरी के अंदर ये एक बेसिकली हिटमैन है, ऑलमोस्ट लाइक जॉन विक, एजिंग जॉन विक। और एक असाइनमेंट को करते करते किसी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या, उसको वो मना कर देते हैं, और उसके बाद दुनिया जहां उनके पीछे पड़ जाती है। उनको फाइट करना है वापस इसी क्रिमिनल वर्ल्ड से, ठीक है? तो ये क्रिमिनल वर्ल्ड उतना ज्यादा खूंखार नहीं जितना हमने जॉन विक में देखा है, बट फिर भी इसकी जो क्रिमिनल आर्म्स एंड लेग्स हैं, जो पैसा है इनके पास, जो रूट्स हैं, वो काफी ज्यादा डीपर है। इसके अंदर मोनिका बलूची भी आपको दिखेंगे, जो कि नेगेटिव शेड के कैरेक्टर के अंदर है। अब ये इंसान कैसे इस क्राइम को लड़ता है और क्या क्या रोल रहता है पुलिस का इसके अंदर, वो आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुलिस का एक साइड तो अच्छा साइड दिखेगा, एक साइड करप्ट साइड दिखेगा, और साथ ही साथ आपको ये जो मेन कैरेक्टर है नियम नीसन का, किस तरीके से इस क्राइम को हैंडल करता है, वो आपको काफी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ में जो उसका सेंसिटिव साइड है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, किसी को भी 2 मिनट नहीं लगाता ठोक करने के लिए। बॉब बिस्वास जैसा है वो उस सेंस के अंदर, इट डजेंट माइंड किलिंग एनीबडी फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम ही हैज अ सेंसिटिव हार्ट फॉर एन इशू। और वो इशू जब इसके सामने आ जाता है, तब ये मना कर देता है कि ये काम मैं अब नहीं करूंगा, और उसी काम के लिए पूरी पिक्चर का सीक्वेंस बनता है। अब वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि कहीं ना कहीं ये अकेला उसको नहीं कर सकता है। पुलिस वालों को कैसे ये एंड तक ये बात पहुंचा पाता है अपनी भूलते हुए याददाश्त से, बिकॉज ही इज एजिंग, कि आपको कल्प्रेट को पकड़ना है, तो क्या कल्प्रेट को मिलता है कि नहीं मिलता है जस्टिस थ्रू लॉ या अदरवाइज, वही आपको देखना होता है यहाँ पर। एक्शन बहुत अच्छा है, जितना भी इन्होंने किया है अर्ली 70s में होने के बावजूद भी जिस तरीके का एक्शन उन्होंने परफॉर्म किया है वो काफी बढ़िया है। जिस तरीके की डिटर्मिनेशन लगी है वो बहुत अच्छा है। एक तो इनका कद काठी इतना ज्यादा है, लंबा, कि वो लगता है कि ही कैन स्टिल डू इट। और जो उनका जो मेमोरी लॉस वाला छोटा छोटा एंगल है वो आपको अच्छा लगेगा। अब ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर काफी सारे झोल झाल हैं अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो। पहली बात तो ये है कि जो पूरा होल प्रेमाइस ऑफ द मूवी इज दैट ही फॉरगेट्स थिंग्स, इसको भूलने की थोड़ी सी आदत होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ एजिंग ऑफकोर्स, और वो अपने हाथ वात पर भी थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। वो मोस्ट ऑफ द बातें याद ही रखता है, वो छोटी मोटी चीजें ही सिर्फ भूलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस चीज को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते थे, नहीं किया। साथ ही साथ में जिस तरीके का आपने ऑरा क्रिएट किया है विलन के लिए, वो विलन अंडर करंट रहता रहता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इतना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार देर शुड बी अ बिगर फाइट, ओके, नॉट फिजिकली बट एक्चुअली देर शुड बी समथिंग बिगर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता है। सेकेंडली, जो मैंने आपको बोला कि किस वजह से वो केस लेने के लिए मना कर देता है, उसकी जो बैक स्टोरी से जो लिंकेज है कि वो ये ऐसा क्यों नहीं करता है, वो एंड तक अनएक्सप्लेन रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप इमोशनली और ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते थे कि क्यों वो मना करता है इस तरीके का लेट्स से मर्डर करने के लिए। और जो पुलिस साइड ऑफ द स्टोरी है वो थोड़ी सी आपको ठीक लगेगी। तो कुल मिला के ये उन लोगों के जो नियम नीलसन के अभी भी बहुत बड़े फैंस हैं, और जिनको एक्शन मूवीज देखना पसंद आता है, जिनको क्रिमिनल मूवीज, गैंगस्टर टाइप मूवीज देखना पसंद आता है, उनका ठीक ठाक से टाइम पास हो सकता है। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा 6 out of 10 रहेगा, क्योंकि मैं भी नियम नीसन का काफी बड़ा फैन हूं, और मुझे ये देख के काफी पॉजिटिविटी इससे आती है कि एट दिस एज ऑल्सो यू आर गेटिंग द मेन स्ट्रीम रोल्स। इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर दैट इफ यू आर एबल टू परफॉर्म एंड डू जस्टिस टू दैट कैरेक्टर, तो फिर एज इज जस्ट अ नंबर। तो ये काफी जो हमारे यहाँ पर भी हिंदी सिनेमा के अंदर या फिर इंडियन सिनेमा के अंदर जो एजिंग स्टार हैं, जो काफी देर तक लेट्स से हीरो बन के आना चाहते हैं, काले बाल कर लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि जैसे समार्टियन में हमने देखा था कि सिल्वेस्टर स्टेलोन भी थोड़े से सॉल्ट एंड पेपर लुक के अंदर भी आ गए थे, और उनको दिखाया कि वो एजिंग है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रोल भी डेमोन्स्ट्रेट किया। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ही रोल करने वाले एक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त हैं या फिर सनी देओल हैं। मैं चाहूंगा कि उनको बहुत ही ज्यादा दमदार रोल मिले, लेकिन एजिंग वाला टाइप मिले, लेकिन एजिंग वैसा कि यार अपन को ना लगता नहीं है। और आई विल स्टैंड बैक एंड फाइट, और जो नए लौंडे लपाटे उनको भी लपेटे में
मैंने ले लिया, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर वल्नरेबिलिटी ऑफ द एज भी है विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो आप अगर आप मूवी देखना चाहते हो मेमोरी, ये इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगी और ये आपको देखने को मिलेगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।